स्वागत करता हूं आपका हमारे जे बी एन सी आई बी म्युनिसिपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारे रूरल बैंकिंग का यूनिट नंबर 4 है जो कि बेस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक को। सबसे पहले दोस्तों समझाया जा रहा है, पहला टॉपिक पहला पॉइंट को समझते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में, किसी किसी देश के आर्थिक विकास में। एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फूड प्रोड्यूस कर सकें, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें, जो कि ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है जो कि ज़रूरी होता है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कि कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो ये इनफ फूड बनाएगी ताकि अपने पॉपुलेशन को फीड कर सके, और दोस्तों जो एक्सेस प्रोड्यूस है उसे एक्सपोर्ट कर सके ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकें। तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है दोस्तों। आगे पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। जैसे फार्मर को क्रेडिट चाहिए सीड, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। फार्मर को पावर भी चाहिए। पावर क्यों चाहिए दोस्तों? ताकि वो इरीगेशन पम्प, ट्रैक्टर या दूसरा मशीनरी टूल को रन कर सकें। उसके बाद दोस्तों मार्केट भी ज़रूरी है ताकि आप प्रोड्यूस को बेच सकें और इनकम कमा सकें। फिर दोस्तों विदाउट इन सभी फैसिलिटीज़ के बिना फार्मर जो है इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ताकि अपने डिमांड को मीट कर सकें। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। मशीनरी और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्किल्ड वर्कर और मैनेजर की ज़रूरी होती है ताकि आप मशीनरी को ऑपरेट कर सकें और मैनेज कर सकें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। बैंकिंग और मार्केटिंग फैसिलिटी ज़रूरी है ताकि आप एक्सेस कैपिटल को एक्सेस कर सके और प्रोडक्ट को बेच सके मार्केट में। ट्रांसपोर्ट और शिपिंग फैसिलिटी भी क्रूशियल होती है दोस्तों रॉ मटेरियल के मूवमेंट के लिए। फिर दोस्तों इन सभी फैसिलिटीज़ को, जो फैसिलिटी मैंने आपको बताया, इसको कलेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फिजिकल फैसिलिटीज़ आते हैं जैसे रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, सीपोर्ट और इलेक्ट्रिक पावर। इसके अंदर दोस्तों कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी आते हैं जैसे टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ग्रोथ में। जैसे मान लीजिए कि बिना प्रॉपर रोड का फार्मर जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोड्यूस को मार्केट में, जिस कारण से लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आएगा। उसी तरह दोस्तों बिना पावर सप्लाई का मैन्युफैक्चरर जो है अपनी मशीनरी को ऑपरेट नहीं कर सकते, जिस कारण से लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी आएगा। इसीलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा तब में इकोनॉमिक भी कहा जाता है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक क्यों कहा जाता है और सोशल ओवरहेड कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन ज़रूरी होता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। दोस्तों फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि रोड, रेलवे और इलेक्ट्रिक पावर, ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। नेसेसरी सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बेटर रोड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन को कम करता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है, जैसे फार्मर जो है अपने प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे मार्केट में क्विकली। दोस्तों इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, जैसे बेटर रोड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सभी लाइफ पॉपुलेशन के लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। समझे बात को? तो ये सभी पॉइंट समझाया जा रहा है। आगे पॉइंट देखते हैं तो भारत में क्या कर रहा है दोस्तों। रिसेंट ईयर में दोस्तों कुछ प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, सम इम्प्रूवमेंट हैज़ बिन देयर ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए इंडिया में, लेकिन अभी भी लंबा समय, लॉन्ग वे टू गो है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मेजर सिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े सिटीज़ के पास अच्छा गुड है, अच्छा एयरपोर्ट है, ठीक है, तो मेजर सिटीज़ के पास गुड रोड अच्छा है, उनके पास एयरपोर्ट अच्छा है, लेकिन दोस्तों बहुत सारा फिर भी जो है रूरल एरिया में दोस्तों अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। इसीलिए एक ज़रूरी है, नीड पड़ रहा है ताकि आप गैप को एड्रेस कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो गैप है उसको एड्रेस कर सकें ताकि प्रमोट कर सकें ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है सभी सेक्टर के ग्रोथ के लिए। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग आता है, इसमें आपको गुड क्वालिटी रोड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए ताकि आप रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें। दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, इसमें मशीनरी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, एफिशिएंट लेबर फैसिलिटीज चाहिए। टर्शियरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज आते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, तो इसमें कम्युनिकेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है ये एक्सपेंड करते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टेक होल्डर इन डेवलपर। जैसे मान लीजिए कि अच्छा रोड रहेगा तो फार्मर को क्या होगा, फार्मर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है, और पावर सप्लाई इंप्रूव होगा, जैसे मैन्युफैक्चरर जो है ऑपरेट कर सकेंगे अपनी मशीनरी को एफिशिएंटली। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको अच्छा क्वालिटी और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए ग्रो करने के लिए और एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको बिजली चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए ताकि गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें और उसको मार्केट में बेच सकें। उसी तरह दोस्तों एक स्मॉल बिजनेस है जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसे कम्युनिकेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि अपने क्लाइंट तक पहुँच सके। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए रूरल डेवलपमेंट के लिए जिसका फोकस है एग्रीकल्चर पे, हैंडीक्राफ्ट पे, फिशरीज पे,
पोल्ट्री पे और डेयरी फार्म पे, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शॉर्ट में जिसे हम लोग NRLM कहते हैं, उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में, तो जो भी पॉलिसीज़ होती है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर्मुलेट करती है। इस मिनिस्ट्री का मेन एम है कि लाइफ रूरल कम्युनिटी का लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का लैक होना, जैसे बिजली नहीं होना, क्लीन वाटर नहीं होना, सैनिटेशन नहीं होना, ये सभी रूरल प्रोडक्टिविटी को हिंडर करता है। जैसे मान लीजिए कि बिना बिजली का फार्मर जो है अपने इरीगेशन पंप को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगा। उसी तरह दोस्तों बिना क्लीन वाटर का, बिना सैनिटेशन फैसिलिटी का जो रूरल कम्युनिटी का हेल्थ है और वेलबींग है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी कम होगा। फार्मर और कैजुअल वेज वर्कर जो रूरल एरिया में होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लैक से। जैसे फार्मर अपने प्रोड्यूस को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, जिस कारण से लॉसेस आते हैं। कैजुअल वेज वर्कर डिफिकल्टी फेस करते हैं वर्क में कम्यूट होने के लिए क्योंकि उनके पास गुड क्वालिटी रोड नहीं होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट बताया जा रहा है। अब दोस्तों रूरल एरिया का जो है सिग्निफिकेंट शेयर होता है वर्किंग पॉपुलेशन का भारत में। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कुछ प्रोग्राम को और इनिशिएटिव को ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सके हमारे कंट्री में। जैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये सभी प्रोग्राम का मेन एम है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करना चाह रही है इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने वर्क को इफेक्टिवली कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो सरकार जो है इन्वेस्ट कर रही है इन सभी इंस्टीट्यूशन में, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या बताया जा रहा है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारी सरकार है उसने कुछ पैसा एलोकेट किया है, ज़्यादा पैसा एलोकेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ताकि वो अपने प्रोग्राम और इनिशिएटिव को कैरी आउट कर सके। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि जरूरी है किसी सोसाइटी या इंटरप्राइज के ऑपरेशन के लिए, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों पावर प्लांट, ब्रिजेज, रोड्स, ये सभी आते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि रैंकिंग होता है दोस्तों कि कितना अच्छा कंट्री परफॉर्म कर रहे हैं लॉजिस्टिक के टर्म में। इसका मतलब ये होता है कि गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इसे लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इंडिया का रैंक है दोस्तों 44th। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। दोस्तों गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारा एफर्ट लगा रही है इसको इम्प्रूव करने में, पॉलिसीज़ क्रिएट हो रहे हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ क्रिएट कर रही है ताकि इंश्योर कर सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत टाइमली मैनर में हो सके और हाई स्टैंडर्ड का हो सके। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने में, राइट, आगे ड्राइव करने में। गवर्नमेंट बहुत ही एफर्ट लगा रही है ताकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके टाइमली मैनर में और ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन हियर। दोस्तों बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी रखा है ताकि इम्प्रूव कर सके ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि रोड, रेलवे, ट्राई एयरपोर्ट। उसके बाद दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये एक प्लान है, इसको शॉर्ट में NIP कहा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये एक प्लान है जो कि आउटलाइन करता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो कि डेवलप किया जाएगा कंट्री में आने वाले साल में। दोस्तों सरकार ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से। जो भी पैसा है उसे यूज किया जा रहा है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और वाटर सप्लाई। दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का और ये एक्सपेक्टेड है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा आने वाले सालों में। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं कि न्यू अच्छे पावर प्लांट को डेवलप किया जाए, एग्जिस्टिंग वन को अपग्रेड किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डेवलप किया जाए। दोस्तों बताया जा रहा है कि 2026-2027 तक भारत को एक्सपेक्टेड है कि उसके पास टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है 620 GW का होगा, तो जो कि जिसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, जैसा कि सोलर एनर्जी और इवेंट पावर। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंट्री के लिए क्योंकि ये रिड्यूस करता है आपके फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस को। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो कोर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जैसे एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है 2021 में और प्रीवियस ईयर में डिक्लाइन हुआ था क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक आया था। ये ग्रोथ एक पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फिर से स्टार्ट हो गया है।
फिर दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो जुलाई 2021 में बढ़ा एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जैसे मान लीजिए कि सीमेंट का जो प्रोडक्शन था वो था 100 यूनिट जुलाई 2020 में, तो दोस्तों ये 2021 में 2021 के जुलाई में 100 यूनिट से ज़्यादा हो गया। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन था वो 3.2% से डिक्रीज हो गया जुलाई 2021 में एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो था 100 बैरल था जुलाई 2020 में, तो ये डिक्रीज हो गया 97 बैरल में कब जुलाई 2021 में, तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे कि पावर, ब्रिजेस, डैम, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने ये एक्सपेंड हुए दोस्तों 9.3% से जून 2021 में एज कम्पेयर टू जून 2020। जैसे दोस्तों बताया जा रहा है कि अप्रैल जो हमारा अप्रैल से जुलाई फेज है 2021-22 का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रो हुआ है दोस्तों 21.21% एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों पैंडमिक के एडवर्स इम्पैक्ट के डिस्पाइट पैंडमिक एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी सर इंडियन भारत का जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट है इसका टर्नओवर 6.5 बिलियन $ है 2020 में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है एक विजन प्लान 2030 के लिए जिसका एम है कि इंडिया को एक हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए और एक्सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। दोस्तों सरकार चाह रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके कंट्री में ताकि इस गोल को अचीव कर सके। बताया जा रहा है दोस्तों भारतीय सरकार CVCWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के माध्यम से हेल्प से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है 10 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का और वर्ल्ड बैंक का इन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका कॉस्ट है दोस्तों $250 मिलियन। इस प्रोजेक्ट का एम ये है ताकि इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम है उसे सपोर्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें एग्जिस्टिंग डैम के सेफ्टी और परफॉर्मेंस को अक्रॉस वेरियस स्टेट। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट के डैम है उसको रिपेयर के रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रोजेक्ट की आपको हेल्प करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि वो रिपेयर कर सके कि डैम सेफ हो लोगों के लिए और जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनके लिए। फिर दोस्तों आइए बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ हैं इनका क्या प्लान है। इनका प्लान है कि कंस्ट्रक्ट करें 1080 किलोमीटर ऑफ रोड इन 6 स्टेट अंडर भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट पड़ेगा दोस्तों $3 बिलियन और इसका एम ये है दोस्तों कि रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी इज़ द मेन एम ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा इन सभी स्टेट्स में। फिर दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्कीम इसका बजट है $22 मिलियन। ठीक है, तो ये फिस्कल ईयर 2022 का बजट है। इस स्कीम का एम ये है कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए जिससे दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड इंकरेज होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रूरल रिन्यूएबल एनर्जी ये इंप्लीमेंट कर रही है रूप टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 ताकि इनकरेज कर सकें कि आप रूप टॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करें रेजिडेंशियल एरिया में। तो इस प्रोग्राम का एम है कि 4000 मेगावाट इंस्टॉल किया जाए सोलर पावर का 2022 तक, जिससे दोस्तों कार्बन इमिशन कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा रेजिडेंट को जो कि रूप टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को ऑप्ट करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक डिवीजन है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा लॉजिस्टिक डिवीजन है तो लॉजिस्टिक डिवीजन जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इन्होंने प्रेजेंट किया है अपने प्लान को यहाँ पे। सॉरी दोस्तों लॉजिस्टिक डिवीजन ने क्या प्रोजेक्ट किया दोस्तों। सो लॉजिस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ प्रेजेंटेड इट्स प्लान फॉर द फ्रेट स्मार्ट सिटी ताकि इम्प्रूव कर सके अर्बन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के एफिशिएंसीज को और रिड्यूस कर सके लॉजिस्टिक एक्सपेंस को। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और इनोवेशन का यूज़ किया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक सप्लाई को ऑप्टिमाइज कर सकें और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा XV फाइनेंस मतलब जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था इसने रिकमेंड किया कि हम $1077 मिलियन एलोकेट करेंगे ताकि परफॉर्मेंस बेस्ड असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें स्टेट्स को न्यू सिटी इंक्यूबेशन के लिए। तो ये जो प्रपोज कॉन्सेप्ट है इसका एम ये है कि नया सिटी डेवलप किया जाए प्रत्येक स्टेट में जिसका बजट है $134 मिलियन। इससे क्या होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे इन सभी एरियाज़ में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सरकार सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखिए इनका क्या इनिशिएटिव है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ तो ये इनका ये दोस्तों बिल्डिंग फैसिलिटीज रहेगा ताकि आप वेस्ट को फ्यूल में बदल सकें, इथेनॉल को आप फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स के लिए, और दोस्तों कंप्रेस बायोगैस को आप यूज़ कर सकते हैं बिजली को बनाने जनरेट करने के लिए। सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन यूज़ कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि कंप्रेस बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट सारे बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्लान किया है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे इस हाँ तो इन्होंने प्लान किया है कि एसेट को मोनेटाइज करे, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वो बेचेगी या लीज आउट करेगी कुछ एसेट को ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो एसेट है इसके अंदर क्या क्या है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, 150 मॉडर्न रेक है, स्टेशन डेवरी डेवलपमेंट है, रेलवे लैंड पार्सल है, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस है, रेलवे कॉलोनीज हैं, हिल रेलवेज है, स्टेडियम्स हैं। इन सही इनसे ये फंड प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सके। दोस्तों सरकार ने अनाउंस किया है लॉन्ग टर्म प्लान ताकि इन्वेस्ट करेंगे $82 बिलियन इन द कंट्री सी पोर्ट, मतलब दोस्तों कि वो डेवलप करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे भारत के जो सी पोर्ट है उन्हें, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो 574 आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2035 तक ये, और ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इन्होंने एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फॉर्म किया है ताकि एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें जो कि गाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के डेवलपमेंट को इंडिया में। तो इस कमेटी के अंदर दोस्तों कुछ मेंबर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, नीति आयोग है, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है आइए डिस्कस करते हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है पार्लियामेंट में ताकि इस्टेब्लिश किया जाए नया बैंक जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे हम लोग नैफिट कहते हैं। तो मेन एम इस बैंक का ये है कि वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और भी ज़्यादा चीज़। तो ये बैंक जो है लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जो जिसका जेसेशन पीरियड होगा 5 साल से भी ज़्यादा। भारतीय सरकार ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, शॉर्ट में जिसे हम लोग PMASNY कहते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव कर सके भारत में। इस स्कीम के अंदर दोस्तों सरकार जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट का, क्लिनिक के डेवलपमेंट का, और दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटी के डेवलपमेंट का। ये स्कीम का फोकस होगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए जो हमारे कंट्रीज़ के रिमोट एरिया हैं वहाँ पे। दोस्तों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सभी जरूरी हैं ताकि आप किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इससे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को, मार्केट को, बिजनेसेस को, और ये आपका रॉ मटेरियल के मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है, फिनिश गुड के मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अलावा ये रिमोट एरिया को भी डेवलप करता है, उनको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंस इज द ट्रांसपोर्टेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। बताया जा रहा है कि रोड जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासकर दोस्तों क्योंकि कंट्री का जो इकोनॉमी है वो लार्जली बेस होता है एग्रीकल्चर पे और दोस्तों सेटलमेंट पैटर्न पे, और जो सेटलमेंट पैटर्न है दोस्तों एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और जो सेटलमेंट पैटर्न है वो मोस्टली क्या है, रूरल है। तो अच्छा रोड जरूरी है ताकि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मूव कर सके फार्म टू द मार्केट। दोस्तों बताया जा रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है सिग्निफिकेंट। सो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में और पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेटर डिस्कस सम मोर पॉइंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। सो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है आपको नेक्स्ट पॉइंट में कि रोड कंस्ट्रक्शन, राइट? सो रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है आपको सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है भारत में। ये जरूरी है दोस्तों कि कंट्री का ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए और जॉब की जरूरत पड़ती है इस डेमोग्राफी एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्किल्ड वर्कर के लिए और अनस्किल्ड लेबरर के लिए, जिसे आप अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस कर सकते हैं। भारतीय रोड को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेशनल हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट रोड होता है जो कि बहुत सारे सिटीज़ को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट करता है। दोस्तों मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट के बीच में, और रूरल रोड जो है दोस्तों विलेज को टाउन से कनेक्ट करता है। दोस्तों फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों तो इसमें बताया जा रहा है कि ये स्कीम लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा ताकि रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके रिमोट रूरल एरिया में, ताकि आसान हो लोगों को जो इस एरिया में रह रहे हैं तो उनको वो एक्सेस कर सके नेशनल हाईवे को और मार्केट्स को। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम है ये इंश्योर करता है कि जितने भी रूरल हैबिटेशन हैं जिनका मिनिमम पॉपुलेशन 500 हो प्लेन एरिया में और 250 हो हिल स्टेशन में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में या डेजर्ट एरिया में, इन्हें एक्सेस हो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब मानसून का भी समय हो या दूसरा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, जो भी लोग इन एरिया में रह रहे हैं वो आसानी से ट्रैवल कर सकें। दोस्तों मई 2013 में सरकार ने लॉन्च किया PMGSY2
ताकि इम्प्रूव कर सके एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग रूरल रोड का और उसे अपग्रेड कर सके ताकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को मीट कर सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये PMGSY का जो रूट है उसको सेलेक्ट किया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूरल ग्रोथ सेंटर क्रिटिकल रूरल हब एंड टूरिस्ट प्लेस। इसका आइडिया ये था कि हम बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके इन सभी एरिया को, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप होगा और टूरिज्म बूस्टअप होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम फुल्ली फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कवर करता है 1.78 लाख हैबिटेशन एज पर द क्राइटेरिया। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है इंटायर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रोड को बियर करती है, जो भी खर्चा होता है सरकार बियर करती है। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के कारण 6.76 लाख किलोमीटर ऑफ द रोड का कंप्लीशन हुआ है, 1.715 लाख हैबिटेशन को कनेक्ट किया गया है रोड नेटवर्क से। मतलब जो भी लोग रिमोट रूरल एरिया में रहते हैं उनके पास बेटर एक्सेस है मार्केट का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का। सो फ्रेंड्स ये था पार्ट वन लेक्चर। पार्ट टू लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू वांट सब्सक्राइब ऑफ लेक्चर काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।